हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां पर हम आपके लिए किडनी और हेल्थ से जुड़े कई अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की बात करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे नीम और पीपल की छाल का काढ़ा आपके शरीर के लिए और खास तौर पर आपके क्रिएटिनिन को कम करने के लिए एक वरदान हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। आपके शरीर में जब क्रिएटिनिन बढ़ जाता है तो इससे आपकी किडनी में खराबी आने लगती है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये क्रिएटिनिन बढ़ता कब है? तो आपके शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है और साथ ही साथ आप अनावश्यक आहार यानी अननेसेसरी फूड को अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं, तो इससे आपके शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि आज हम आपको एक कमाल के काढ़े के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके क्रिएटिनिन को यूं चुटकियों में कम कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस काढ़े के बारे में। ये काढ़ा है नीम और पीपल की छाल का काढ़ा। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी, लेकिन ये काढ़ा मात्र एक हफ्ते में आपके क्रिएटिनिन को कम कर सकता है। अब आप कहेंगे, जब ये इतना कमाल का है तो आखिर इसे बनाएं कैसे? तो वो भी आपको हम ही बताएंगे। आपको करना क्या है कि आपको 3 ग्लास पानी लेना है और उसमें 10 ग्राम नीम और 10 ग्राम पीपल की छाल को मिलाकर उबाल लेना है। इसे तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा ना रह जाए, और उसके बाद तैयार हो जाएगा आपका हेल्दी काढ़ा। अब इस काढ़े को आपको 7 से 10 दिन के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में नियमित रूप से लेना है, और आप देखेंगे कि आपका बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन कैसे चुटकियों में आपसे दूर भागने लगता है। इतना ही नहीं, यह आपके शरीर के और अंगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो यह आपके ब्लड शुगर को कम करता है, जिससे कि आप डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारी से दूर ही रहते हैं। साथ ही साथ आपके शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन भी प्रवेश नहीं कर पाता। इसके अलावा नीम और पीपल की छाल का काढ़ा आपको हर तरह के यूरिन इन्फेक्शन से भी बचा कर रखता है। तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? आज अभी से इसे एक सही मात्रा में अपनी डाइट में शामिल कीजिए। लेकिन अगर बात करें किडनी के मरीजों की, तो आप इसके सेवन से पहले एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि सभी किडनी के मरीजों के रिपोर्ट्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग नीम और पीपल की छाल के काढ़े के बारे में जान सकें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।